आज साढ़े महान शहीद श्री निर्मल सिंह सेखों जी परमवीर चक्कर उन्हां दी बरसी दे उत्ते उन्हां दे जद्दी पिंड इसेवाल जो पंजाब दे महान शहीद होए है ते एयरफोर्स दी क्लॉक ते परमवीर चक्कर ते उन्हां नूं अपने शरदा दे फुल पेट करन आए जी। जी अच्छा मंत्री साहब एक तां थोड़े शिकायत हैगी है प्रबंधकां नूं वी बच्चां नूं वी कि लेट मैं जी दाखे स्कूल गया सी तो उस स्कूल दे विच मैं सानू वीडियोस पा मैं सानू दस दिंदा जी मैं वीडियोस शेयर करूँगा अपने फेसबुक अपने ट्विटर ते उस स्कूल दे विच मेरा प्रोग्राम 20 मिनट दा सीगा पर उस स्कूल दे विच चलो बच्चों ने इन्ना शानदार काम किया मैनू 3 घंटे उत्थे लग गए इस करके मैं वो भी बच्चे से जी तो मैं लगता साढ़े सरकारी स्कूलों के बच्चे बिजनेस ब्लास्टर्स जिहड़ा असीं कैंपेन चलाया तुसीं देख के हैरान हो जाओगे किन्ने शानदार प्रोडक्ट 11वीं जमात दे विच सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ते हैं मैं तुहानूं शेयर करूँगा थानू भी बहुत खुशी होगी गंभीर सवाल पूछा किसी भी इवेंट के उत्ते असीं इह सुनिश्चित किया होया ते बड़ी माड़ी गल है प्रबंधकों की क्योंकि चाहे बहुत सारे मैं अक्सर देखदा खेड मल्लियां विच भी जाके मैं पुछदा कि बच्चों को खड़ाई रखते हैं तो अक्सर कई बच्चे बेहोश होकर गिर भी जाते हैं इसका सख्त नोटिस लवेंगे कोई गल नहीं मैं आम आंदा मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता मैं देखो जी ये तो पंजाब जान दंदे की पुश्तैनी काम ने सर कुंदर कानून व्यवस्था के उत्ते उन्होंने सवाल खड़े किए वो कह रहे कि पंजाब सालां दे विच गैंगस्टर चला रहा सरकार ने मैं देखो जी ये उत्ते साढ़े मुख्यमंत्री साहब जवाब देंगे उन्हां दा महकमा जी बोल सर जलंधर मामले ते भी उन्होंने बोलिया कहंदे कि गरीबां दे आशियाने ढा दित्ते जा रहे ने मैं हूँ की दसा जी जे सारे पंजाब सर पंजाब लुट के खा गए अब पंजाब हितैषी गल्लां करते हैं तो वह चंगी गल नहीं उन्होंने किए हुए कम सारा पंजाब जानता ता ही अज वो हाशिए दे विच ने। दूजी गल तुसीं पुछी जी चंडीगढ़ की तो बार बार केंद्र सरकार तुरी हुई है हमेशा ही जो तो कोई चंगे अफसर लाने होन उदों कहिंदे नहीं जी सानू भेजा करो पैनल भेजा जो हटाने होन तो झट हटा देंदे ते सीएम साहब ने सख्त नोटिस लिया एजेंसियां वालों अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखो जी पंजाब दे हालात बिगड़ रहे मैनू ये लगता जी कि साढ़े पंजाब पुलिस साढ़े मुख्यमंत्री साहब बहुत गंभीरता नाल हर एक चीज़ का उत्ते काम कर रहे हैं। कल देखा जी पहली बारी मुख्यमंत्री खुद जेल च गए नाभा जेल च गए एक मुख्यमंत्री दी देखो किन्ने असी आप देखते हैं कि देर रात तक फिर सवेरे साजरे तो लैके हर महकमे तो पंजाब नूं सुनहरी पंजाब बनाने के उत्ते बहुत मेहनत कर रहे हैं। पिछलियां सरकारां वल्लों यानी अज तो एकदम तक कोई गैंगस्टर फायदा नहीं होए मैं जो जाके जेलों जाके देखदा तो उन्होंने गैंगस्टर से 50-50 परचे आ कदों तो होए 2009 च पहला परचा फिर 11 च फिर 12 च कोई तुसी इदां दिखाओ जिहड़े हुण फायदा होए हुण इन्हां सरकारां ने तो 2-2 साल यूपी तो लिया के गैंगस्टर रखे इन्होंने तो पैटर्नाइजेशन की अज जिहड़ा है अज साढ़े मुख्यमंत्री साहब बहुत सख्ती दे नाल उहदे खिलाफ यानी इस तेरे अपनी मुहिम है तो आप फ्रंट फुट ते आके चाहे जेलां होण चाहे हस्पताल होण चाहे स्कूल होण चाहे बस अड्डे होण चाहे ट्रांसपोर्ट माफिया होवे आप लगे हुए ने। कल बीते दिन लुधियाना पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जेल दे विचों 50 मोबाइल मिले मैं थानू फिर कह रहा जी जिहड़े मोबाइल मिलना साडी कामयाबी है इहनू तुसीं हमेशा मीडिया इस तरीके नाल चला एक सैकंड जी मीडिया हमेशा इदां दिखा दिंदा लुधियाणा जेल फिर सुरखियां च बंद नहीं हो सकदी। मेरे एक सन मेरी दोस्त मैं थानू कई बार समझा चुकिया दोस्त जेलां शहरां च आ चुकियां ठीक है ना बाहरों थ्रो हुण जिवें दवार आ बाहरों थ्रो आंदे आ कल जदों सीएम साहब नाभा जेल गए उत्थे भी इही किहा असीं इदां ही आ जी बहुत सारे थ्रो बाहरों आंदे ने साडी काम मैं इह कहिंदा अज तुसीं इह पता करो जेलां चों कि किन्ना ज़्यादा जेलां चों मोबाइल फोन का यूज़ घट गया जे फड़े जा रहे ने अगे तो तुसीं यूट्यूब ते सर्च मारो जिहड़े मर्जी नामी गैंगस्टर भंगड़े पांदियां दी पीज़े खांदियां दी वीडियो मिलणगियां सानूं हुण दसो जी हुक्का पी रहे ने यानी हर चीज़ हुण कित्थे ने ओ अज सख्ती है मैं तुहानूं इह कहिंदा साडी रिसपोंसिबिलिटी है असीं जेलां 'चों मोबाइल साफ़ करांगे। कपूरथला जेल दे विच मैं तुहानूं दस दवां जी कपूरथला जेल दे विच असीं इक नवां पायलट कीता ते उहदा 98% रिजल्ट आ गया। मैं आप एयरटेल नूं आप जियो नूं BSNL नूं हुण सिर्फ वाई जिहड़ी कंपनी है VI वो रह गई है अगर VI अपना सिग्नल डाउन कर लवे तां कपूरथला विल बी फस्ट जेल जिथे टोटल सिग्नल
ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੈਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੈਮਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਮਾਂ ਜੈਮਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ LED ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਲਬ ਬਣਨਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲਬਾਂ ਦੀ LED ਬੱਲਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ।